प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज शाम प्रभु के वचन से हम जो भी ध्यान करते हैं, प्रभु करे कि वो हम सब के लिए अनुग्रह का कारण बन सके। आज शाम के ध्यान के लिए मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित शुभ संदेश 9वें अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूँ। यूहन्ना 9, यूहन्ना 9 के पहले पद में हम पढ़ते हैं, ये घटना हम सब जानते हैं। यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, फिर जाते हुए प्रभु ने एक मनुष्य को देखा जो जन का अंधा था। ठीक है, तो ये घटना हम सब जानते हैं और पहला पद मैंने सिर्फ पृष्ठभूमि के रूप में आपके सामने रखा है। प्रभु जा रहे थे और जाते जाते प्रभु ने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन उसमें से एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक प्रभु ने जो कार्य किया वो हम देखते हैं। प्रभु ने जो कार्य किया उसे हम 6 और 7 पद में देखते हैं, लेकिन 6 और 7 पद में जाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि मैं जरा याद दिला दूं। शिष्य ने जैसे अंधे को देखा, उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि प्रभु उस अंधे की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं, और शिष्य ने तुरंत पूछा, है प्रभु इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है। हम सबकी एक विशेषता है, चाहे प्रभु के साथ 3.5 साल जो लोग शिष्य रहे और जिन्होंने मुखामुख प्रभु की वाणी सुनी, शाश्वत ईश्वर की वाणी सुनी, चाहे वे लोग हों, चाहे मैं और या आप हो, हमें दूसरों की गलती बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है, या दूसरे के ऊपर आरोप लगाना हमारे लिए बहुत आसान काम है, अपने आप को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे भाई की आंखों में जो तिनका है वो तो तू देख लेता है, और भाई से कहता है कि इधर आ, मैं तेरी आंख से तिनका हटा दूं, लेकिन हे कपटी, पहले अपने आंख में जो लट्ठा है उसको हटा, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका बड़े अच्छी तरह से देखभाल के निकाल सकेगा। तो ये हमारी आदत है और ये आदत वहां पर शिष्यों ने भी दिखाई। उसका परिणाम क्या हुआ ये थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। लेकिन हम जो आज अध्ययन करना चाहते हैं वो 6 और 7 पद में है। यूहन्ना 9 अध्याय के 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कुछ कहा। ठीक है, क्या कहा बाद में हम देखेंगे। यह कहकर प्रभु ने भूमि पर थूका। आप अपने सामने बाइबल खोलकर बैठे हो तो आप देखेंगे कि यदा कदा कुछ शब्द मैं बदल रहा हूं, वो प्रभु को आदर देने के लिए, प्रभु के वचन को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, इधर उधर कुछ और एक्यूरेट ट्रांसलेशन भी करता जा रहा हूँ। यह कहकर प्रभु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर यह कहकर उसने उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ
लौट आया। आज प्रभु के वचन से जो बात मैं सबके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि हम में से हर व्यक्ति अपनी जरूरत में प्रभु से याचना करता है। याचना करने का हक प्रभु ने ही हमको दिया है। क्यों? इसलिए कि जब हम प्रभु के बच्चे हैं तो जिस तरह से बच्चे अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं, डैडी आज टॉफी ले आना, आज हमको कॉपी दिला देना, आज हमको टेक्स्ट बुक दिला देना, आज हमको एक अच्छा सा कपड़ा चाहिए डैडी, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जिस तरह से बच्चे प्यार और स्नेह के साथ अपने डैडी से अनुरोध करते हैं, उसी तरह से अपने प्रभु से अनुरोध करने के लिए पूरी आजादी प्रभु ने अपने बच्चों से दी है। बल्कि प्रभु के वचन में बार बार पुराने नियम में और नए नियम में ये कहा भी गया है कि हम अपनी सारी जरूरतें प्रभु से मांगे। तो इसलिए यदि वो अंधा रोशनी चाहता था तो उसमें कोई गलती नहीं है। मैं और आप यदि अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो यदि प्रभु के सामने ले जाकर रखते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि यह हमारा हक बनता है कि हम अपने पिता के पास जाकर अपनी जरूरतें पिता को बताएं और पिता से अनुरोध करें कि हे पिता, हमारी जरूरतों में हमारी मदद कीजिए। लेकिन एक चीज जो हमको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब प्रभु हमारी जरूरत के अनुसार हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और सारी प्रार्थनाएं दे देते हैं, तो कई बार हम प्रभु को एक स्लॉट मशीन के समान समझने लगते हैं या प्रभु के समान व्यवहार करने लगते हैं। स्लॉट मशीन से मेरा मतलब है वे मशीनें जिनमें आप पैसा डाल दीजिए और माल बाहर आ जाता है। इसमें सबसे पुरानी जो स्लॉट मशीन है वो है रेलवे स्टेशन पर वजन देखने वाली मशीन, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। स्टेशन पर जाइए, मशीन पर खड़े हो जाइए, पैसा डाल दीजिए, तुरंत टिकट आ जाता है। ऐसे मशीनों को स्लॉट मशीन कहा जाता है। और अब तो कॉफी, चाय और उसके अलावा स्नैक्स सबके लिए, खासकर बड़े दफ्तरों में और बड़े मॉल्स में स्लॉट मशीन रहता है। स्लॉट मशीन का काम बहुत आसान है, आपको जो पैसा डालिए, आपको जो चाहिए उसको चूज कर लीजिए और तुरंत मिल जाता है। कई बार जब प्रभु से हमको जो अनुग्रह मिलना चाहिए, जब वो नियमित रूप से मिलने लगता है, तो हमारी भी आदत हो जाती है कि हम प्रभु को भी एक स्लॉट मशीन के रूप में समझने लगते हैं। मनी मन उस शब्द का उपयोग नहीं करते, लेकिन मनी मन ये सोचने लगते हैं कि बस हमने प्रार्थना की और बस प्रभु ने आशीष उंडेल दिया, हमारी सारी जरूरतें पूरी कर दी। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं और प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। प्रभु हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ते हैं। प्रभु ने स्वयं ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यह सब सही होते हुए भी प्रभु से जब हम कोई अनुरोध करते हैं या प्रभु से जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, तब हमको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु को हम एक स्लॉट मशीन के समान जो है ना समझें, प्रभु से व्यवहार ना करें, बल्कि हम ये देखने की कोशिश करें कि हम जब प्रभु से मांग रहे हैं तो प्रभु पलट कर हमसे कुछ कहते हैं या कहना चाहते हैं क्या। प्रभु के वचन में शुरू से आखिर तक जिन लोगों ने प्रभु से याचना की थी उनके जीवन को यदि हम शुरू से आखिर तक देखें तो अक्सर देखते हैं कि जब हम प्रभु से कोई चीज मांगते हैं या अनुरोध करते हैं तो प्रभु अपना अनुग्रह हमें देने से पहले कई बार हमसे ये कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जरा देखना चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञा मानते हो क्या, तुम्हारे जीवन में आज्ञाकारिता है क्या, तुम
मेरी सारी बातें जिनको मैंने अपने वचन में दिया है, बताया है, स्पष्ट किया है, उन सब बातों को मानते हो या नहीं मानते हो। आज की इस घटना में हम इस बात को देखते हैं, प्रभु ने क्यों थूक से मिट्टी सानी, उसकी क्या जरूरत थी। अच्छा, एक बात और याद दिला दूं, ये अंधा था, ये तो हम सब जानते हैं कि अंधा था, लेकिन प्रभु ने उससे जिस कुंड में जाकर आंख धोने को बोला वो उस जगह से काफी दूर स्थित था। शीलो का जो कुंड है उसे आर्कियोलॉजिस्ट्स, पुरा वस्तु जो लोग गवेषण जो अनुसंधान करते हैं, उन लोगों ने ढूंढ निकाला है। ढूंढ निकाल के साफ सफाई करके उसको पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया है। और जब रेस्टोर किए हुए शीलो के कुंड को देखते हैं तो एक बात पता चलती है, एक प्रभु ने इस अंधे की आंखों में मिट्टी लगाने के बाद उसको जिस कुंड में जाने को बोला था वो उस जगह से बहुत दूर था। अंधा कैसे जाएगा? अच्छा, दूसरी बात, शीलो का जो कुंड है वो एक पहाड़ की ढाल पर बना हुआ था, जिसका मतलब है कि इस अंधे को ना केवल यहां से काफी दूर जाना होगा बल्कि उस पहाड़ की जो ढाल है उस पर बहुत सावधानी से उतरना होगा। जिसका मतलब यह हुआ कि यदि आंखों की रोशनी चाहिए तो पहले अपने आसपास किसी व्यक्ति से मदद मांगो, यदि एक व्यक्ति मदद के लिए मना कर देता है तो दूसरे से मांगो, इस तरह से लोगों की मदद लेकर यहां से पैदल शीलोह के कुंड तक जाओ और उसके बाद वो जो ढलान है उस व्यक्ति की मदद से उतर के उस कुंड में जाकर वहां से पानी लेकर आंखों को धो। प्रभु के वचन में हम इस तरह की कई बातें देखते हैं, जब प्रभु चाहे तो तुरंत चंगा कर सकते हैं, तुरंत प्रदान कर सकते हैं, प्रार्थना का जवाब तुरंत दे सकते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहां प्रभु एकदम से जवाब देने के बदले हमसे कुछ करने को बोलते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब हम देखते हैं वहां तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और एकदम से प्रकाश हो गया। जिस सर्वेश्वर ने एक आज्ञा के द्वारा इस पूरे असीमित विश्व में प्रकाश की सृष्टि की, उस सर्वेश्वर के लिए एक अंधे को रोशनी देना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु ने यह बात कही भी है जब मूसा और प्रभु में आपस में चर्चा हो रही थी, मूसा ने कहा प्रभु मैं तो हकलाता हूं, तब प्रभु ने उससे क्या पूछा, देखो मनुष्य का मुंह कौन बनाता है, उसकी सृष्टि कौन करता है, मैं करता हूं, तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो क्या कि तुम हकलाते हो। भैया तुमको यदि हकलाता हुआ बनाया है मैंने बनाया है, और यदि तुम यदि उससे चंगाई चाहते हो तो चंगाई के लिए मांगो, लेकिन ये मत बोलो कि हे प्रभु मैं हकलाने वाला व्यक्ति ही इसलिए मुझे मत भेजिए। इसी तरह से ये अंधा ये सोच सकता था कि सर्वेश्वर मेरे सामने खड़े हैं, इस सर्वेश्वर ने अपनी एक आज्ञा से इस पूरे विश्व की रचना क्षण भर में की थी, वो सर्वेश्वर चाहे तो जस्ट कह दें कि तू चंगा हो जा, इवन मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, सर्वेश्वर यदि मनी मन आज्ञा कर दें तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये अंधा ये सोच सकता था, सामान्य व्यक्ति तो सोच सकता है लेकिन अंधा तो कुछ ज्यादा ही सोच सकता है, क्योंकि कहां से, जहां प्रभु से उसकी मुलाकात हुई थी यहां से किसी की मदद से अब जाओ वहां से कई किलोमीटर दूर शीलो के कुंड में और उसके बाद पहाड़िया की ढाल उतरो जिससे कि कुंड में पहुंच सको, और कुंड में पहुंचने के बाद भी वहां सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों से उतरो, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके आंख को धो। वो पूछ सकता था हे प्रभु
आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो आज्ञा दे दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा, फिर काहे को आप मुझसे ये सब नाहक ये सारा काम करवाते। लेकिन उस अंधे ने प्रभु के मन में प्रभु का जो मंतव्य है उसे समझा। कई बार जब हम प्रभु से किसी चीज की याचना करते हैं तो प्रभु जब कहते हैं बेटा बिटिया जरा रुक जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ बातें मैं देखना चाहता हूं, तब हम फुर्ती से उन बातों को अपने जीवन में करते हैं या नहीं करते हैं। आज ये जो घटना हमने प्रभु के वचन से पढ़ी है, इस घटना का अर्थ ये है, हमारे जीवन में किसी जरूरत के लिए जब हम प्रभु से याचना करते हैं तो प्रभु कई बार थोड़ा सा समय लेते हैं। प्रभु ये देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनुरोध तो है, प्रभु से रिक्वेस्ट है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता है क्या, हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते, या हम प्रभु को सिर्फ एक स्लॉट मशीन के समान मानते हैं कि भैया ये पैसा ले लो और हमको चाय दे दो या कॉफी दे दो, मतलब प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरी जरूरत दे दीजिए, आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं वो सब प्रभु किसी और से करवा लीजिए। चंबल में हमारे इलाके में एक कहावत है, जब पंच बैठते हैं तो पंच आज्ञा देते हैं, तो पंचों ने एक आदमी को आज्ञा दी कि भैया तुम्हारे घर से वो जो परनाला निकल रहा है वो दूसरों के घरों को गंदा कर रहा है और इसलिए परनाला वहां से हटा दो। तो जब पंचों की मीटिंग खत्म हो गई तो खड़े होकर वो बोला, पंचों की आज्ञा सर आंखों पर। तो ये सुन के ऐसा लगता है कि हाँ अब वो पंचों की जो आज्ञा है उसको मान लेगा, लेकिन उसका अगला स्टेटमेंट था, पंचों की आज्ञा सर आंखों पर नाला वहीं रहेगा। कई बार प्रभु के साथ मेरा आपका जो वार्तालाप होता है वो कुछ इसी तरह से होता, प्रभु मैं आपका बच्चा हूं इसलिए आप मेरी जरूरत दे दीजिए, मैं जो याचना कर रहा हूं दे दीजिए। हाँ जहां तक मेरी बात है प्रभु, मैं तो मैं ही हूं और इसलिए मैं तो अपनी इच्छा से जीऊंगा, ये हम में से कई लोगों की आदत है। ये है जो इस घटना में हम देखते हैं, प्रभु अनुग्रह देने से पहले ये देखना चाहते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं क्या। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं प्रभु के वचन से आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कहीं आप ये ना सोचें कि ये मैं मनमानी बात आपके सामने रख रहा हूं। आपको याद होगा जब सीरिया से कोर के कारण दल बदल के साथ नामान प्रभु के दास एलिया के पास पहुंचा, तो याद रखें नामान कोई ऑर्डिनरी हस्ती नहीं था, वो राजा का सेनापति था और उस समय सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र था। वो बाकायदा गाजे बाजे सैनिक नौकर घोड़े गधे खच्चर सबको लेके जब आया सेनापति, और जब भविष्यवक्ता के घर के सामने खड़ा हुआ तो भविष्यवक्ता ने इवन बाहर जाकर उस आदमी से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। भविष्यवक्ता ने एक दास को भेजा, बोल दिया जाओ उससे जाके बोलो कि तुम जाके यर्दन में स्नान करो। नामान जिसने जीवन भर सिर्फ आदेश देना सीखा था, उसने जब देखा कि मैं जिस व्यक्ति के पास आया हूं वो तो ईश्वर का दास कहलाता है, चाहे तो ठंड भर में मुझे चंगाई दे सकता है, उसने बाहर आकर मुझ जैसे बड़े व्यक्ति से मुलाकात की जरूरत भी नहीं समझी, आवाज नहीं मिल रही है, कुशल क्षेम नहीं पूछा, उसके बदले सीधे 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 एक नौकर को भेज के बोल दे कि जाओ स्नान करो। बहुत नाराज हो गया, बहुत। वो घटना हम सब जानते हैं कि बस नामान के एक दास था जो इस बात को समझ गया कि इसका मतलब क्या है। उसने कहा मालिक यदि बहुत कठिन काम आपसे कहा गया होता आप जरूर करते, जब कठिन काम आप करते तो
तो जब एक बहुत सरल बात आपसे कह दी गई है तो उसको ट्राई करने में क्या बुराई है। इस तरह से उसने नामान को समझाया। मेरे आपके जीवन में जब हम प्रभु से किसी बात का अनुरोध करते हैं तो कई बार प्रभु पलट कर हमसे कहते हैं, बेटे बिटिया तुम भी तो एक काम करो, मैं पिछले साल भर से तुमसे एक बात कह रहा हूं, तुम क्यों नहीं करते। यह है प्रभु का वचन जो आज हमसे कहना चाहता है। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम में से हर व्यक्ति हर दिन अपनी जरूरतें प्रभु के सामने लाता है। मैं हर दिन प्रभु के सामने अपनी जरूरतें रखता हूं। मैं एक्चुअली 15 साल की उम्र से एक बेहद बीमार व्यक्ति हूं। आज मैं 67 साल का हो गया हूं, मतलब बीमारी डिटेक्ट हुई उसके बाद 61 साल और जी लिया। लेकिन हर सुबह जब मैं उठता हूं, यकीन मानिए इतने अधिक दर्द के साथ उठता हूं, एड़ी से लेकर चोटी तक अति भयंकर दर्द के साथ उठता हूं। ये प्रभु ने मुझे दिया है। सुबह ही मेरी प्रार्थना होती है, प्रभु आज मेरे दर्दों में इतना नियंत्रण दीजिए कि आपने मुझे जो जिम्मेदारियां सौंपी है उन जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सकूं। इस तरह से हम में से हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रभु से प्रार्थना रहती है, हम अनुरोध करते हैं। शायद सुबह उठकर आपकी प्रार्थना ये होगी, प्रभु फलानी चीज दे दीजिए, मुझे फलानी चीज चाहिए दे दीजिए, फलानी मुसीबत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे मैं हूं या आप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है प्रभु के परिवार में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में जिसके पास प्रार्थना के लिए कोई विषय ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में विषय होते हैं, दसियों विषय होते हैं, कई के जीवन में दर्जनों होते हैं। जब हम प्रभु से अनुरोध करते हैं तब प्रभु याद दिलाते हैं, अच्छा बेटा तुम आज मुझसे फलाने चीज के लिए याचना कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं पिछले 3 या 4 महीने से बार बार अपने दासों के द्वारा तुमको याद दिला रहा हूं कि नियमित रूप से मेरे वचन को पढ़ा करो। हम में से कई लोग हैं जो कर्फ्यू के बावजूद घर पे बैठकर हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, घर बैठे मक्खी मार रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन नहीं खोलते। ऐसे लोग जब प्रभु से याचना करते हैं तब वो आवाज हमारे विवेक में प्रभु की तरफ से आती है, बेटे मैं तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम भी तो आज्ञाकारिता दिखाने के लिए, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, तुम भी तो जिम्मेदार हो। ये है जो इस घटना से हम देखते हैं। नामान को फाइनली ये बात समझ में आई कि तुरंत चंगाई दी जा सकती थी, लेकिन प्रभु के दास ने इस बात को जांच कर देखा कि चंगाई के पहले, प्रभु से अनुग्रह पाने से पहले मेरे जीवन में प्रभु के दास के प्रति, जिसका मतलब है प्रभु के प्रति, आज्ञाकारिता है क्या, मैं आज्ञा मानता हूं क्या। प्रभु यीशु के जीवन से एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार 10 कोढ़ी प्रभु के पास पहुंचे, उन्होंने प्रभु से याचना की कि प्रभु हमको चंगाई दे दीजिए। प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। उस समय का कस्टम यह था कि कोढ़ी अपने आप को जाकर याजक को दिखाता था, याजक यदि देखने के बाद, जांचने के बाद, प्रभु के वचन के आधार पर जांचने के बाद यदि याजक कह दे कि तुम चंगे हो गए हो तो चंगा था, और यदि याजक कहता है कि नहीं तुम चंगे नहीं हुए तो उसका मतलब था कि वो अभी भी कोढ़ी है। संसार के सृष्टा जिन्होंने एक आज्ञा से इस पूरे विश्व की सृष्टि की थी, उनके समक्ष 10 मजबूर कोढ़ी खड़े हुए हैं। संसार के सृष्टा एक आज्ञा के द्वारा उनको चंगा कर सकते थे, लेकिन संसार के सृष्टा सर्वेश्वर एक विशेष बात जांचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ।
जाते जाते मैं दोस्तों को पता चला कि अरे हम तो चंगे हो गए हैं, लेकिन उसमें से हम जानते हैं सिर्फ एक आदमी था जिसके दिल में आभार था, वो वापस आया और प्रभु ने पूछा दसों चंगे हो गए, लेकिन एक गरीब, एक दीनहीन व्यक्ति जिसको हम इस समाज में किसी तरह का आदर सम्मान नहीं देते, सिर्फ उसके जीवन में प्रभु के प्रति आभार आया। प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु से याचना करते हैं तब प्रभु इस बात को जांचते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आभार है या प्रभु को एक स्लॉट मशीन के समान समझते हैं कि 5 रुपए का सिक्का डाला और वजन बता दिया, बस उसके बाद बाय बाय मशीन, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह पे, आपस में कोई संबंध नहीं। हम प्रभु से इस तरह से व्यवहार करते हैं या प्रभु के प्रति आभार मानते हैं जैसे उन 10 कोढ़ियों में से एक सामरी ने प्रभु का आभार माना था। काना की जो घटना है वो हम जानते हैं, काना में दाखरस खत्म हो गया, ठीक है। काना जिस जगह है या मध्य पूर्व, वहां प्रभु यीशु के समय किसी भी विवाह में अंगूरी शरबत का बहुत महत्व था, अपन लोगों के शादी ब्याह में अन्य चीजों का महत्व है, वहां अंगूरी शरबत बहुत जरूरी था। और अंगूरी शरबत जिसे दाखरस भी बोला जाता है वो कई किस्म का होता है, शादी ब्याह में सर्वोत्तम अंगूरी शरबत दिया जाता है और जितना चाहे उतना पी सकते हैं। गांव की शादी थी आज से 2000 साल पहले, तो वहां का कायदा यह था कि हर व्यक्ति जो नगर सेठ है उससे लेकर भिखारी तक खाने के लिए आता था, जिनके अपने घर में जो है खाने पीने के लिए कुछ नहीं वह यहाँ आके खा पी के मतवाले हो जाते थे, यह स्थिति थी। अचानक अंगूरी शरबत खत्म, दाखरस खत्म, प्रभु की माता श्री ने आके प्रभु को बताया कि उनके पास दाखरस खत्म हो गया है, इस संसार के सृष्टा सर्वेश्वर जिन्होंने एक आज्ञा के द्वारा सारे विश्व की रचना की, वे चाहें तो वहां जो मटके रखे थे उसको दाखरस या अंगूरी शरबत से भर सकते थे, नहीं, प्रभु ने नौकरों से कहा जाओ उसको भर दो। प्रभु देखना चाहते थे कि प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता, प्रभु की आज्ञा मानते हैं क्या। इस घटना में जो नौकर हैं उनको प्रभु की मां ने जो कहा था, माता श्री को, उन्होंने कंप्लीट माना और प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने वो जो बड़े पात्र थे पत्थर के उनको लबालब भर दिया, इसका मतलब है कि एक बूंद और उसमें नहीं डाल सकते, ऐसे भर दिया, ये है आज्ञाकारिता। प्रभु, जब हम प्रभु से याचना करते हैं अलग अलग तरह से हमसे आज्ञाकारिता मांगते हैं। आज मेरे आपके जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, धन धान्य की जरूरत है, बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है उसको वापस लाने की जरूरत है, बिटिया गलत रास्ते पर जा रही है उसको वापस लाने की जरूरत है, पत्नी प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देती उसके जीवन में बदलाव की जरूरत है, पति प्रभु से दूर है उसको वापस लाने की जरूरत है। जब हम प्रभु से विनती करते हैं तो प्रभु पहले ये देखना चाहते हैं कि हम जो प्रभु से विनती कर रहे हैं हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है क्या। हमारी आदत है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी का युग है और यहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए। कई बार प्रभु कहते हैं बेटा बिटिया जरा रुक जाओ, फलाना काम और कर दो तब तुमको परिणाम मिलेगा। इसके बारे में एक चीज और जो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु जब हमसे कहते हैं कि फलाना काम करो तो वो कई बार हमारी सोच से या हमारी आशा से विपरीत होता है। इसका एक उदाहरण कहा जाए तो प्रभु जब संसार में थे तब एक बहुत ही धनी युवा घमंड के साथ प्रभु के सामने आकर खड़े होकर
प्रभु से उसने पूछा, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि फलाना फलाना काम करो, फलाना काम। प्रभु मैं तो बचपन से ये सारी बातें करता आया हूं, मुझ में किस बात की घटी है? कई बार मेरी आपकी आदत यही होती है, प्रभु मैं तो पूर्ण हूं, मेरे जीवन में अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, अब तो ऐसा कीजिए कि आप बस देते चले जाइए। प्रभु को हम कई बार अलादीन के चिराग में जो जिन्न था उस जिन्न के समान समझते हैं, घिसा, जिन्न आया, मालिक आपकी क्या इच्छा है, फलाना कर दो। नहीं, प्रभु को अलादीन के जिन्न के समान हम ट्रीट ना करें। प्रभु सर्वेश्वर हैं, प्रभु से अनुग्रह चाहिए, हमारे जीवन में हमारी ओर से आज्ञाकारिता, प्रभु की आज्ञा मानना जरूरी है। प्रभु ने उस युवा से कहा, प्रिय पुत्र, प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु को उसके प्रति बहुत प्रेम आया। प्रभु ने उससे कहा, पुत्र तुम्हारा जो धन है उसको बेच दो, ये जो जमीन है जो पूंजी है और गरीबों में बांट दो। प्रभु का वचन कहता है कि वो युवा वहां से दुखी होकर चला गया। वो प्रभु का अनुग्रह चाहता था लेकिन आज्ञाकारिता उसके जीवन में नहीं थी और वो आज्ञाकारी बनना भी नहीं चाहता था। वो तो प्रभु से पूछ सकता था, प्रभु मैं यदि सब कुछ बेच दूं मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा प्रभु? नहीं, ये नहीं पूछा। उसके बदले वो दुखी होकर वहां से चला गया क्योंकि वो अपने जीवन में आज्ञाकारी नहीं था। प्रभु यही प्रदर्शित करना चाहते थे, अनुग्रह चाहिए लेकिन तुम्हारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हम प्रभु के जीवन में देखते हैं जहां प्रभु हमसे जो करने को कहते हैं वो कई बार हमारी उम्मीद के विरुद्ध होता है, उसके पीछे कारण है। प्रभु ये देखना चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु की आज्ञा सुनकर, प्रभु आपने जो आज्ञा दी है ये मेरी समझ में तो नहीं आया है लेकिन आपने आज्ञा दी है इसलिए मैं उसे पूरी करूंगा। इब्राहिम के बारे में जानते हैं, कितने साल उसने और उसकी पत्नी ने एक संतान की कामना की थी। प्रभु ने जब उससे कहा था कि अपने देश और प्रदेश को छोड़कर उस जगह चले जाओ, मैं तुमको दिखा रहा हूं, एक बहुत कठिन आज्ञा थी। प्रभु ने इब्राहिम को यह आज्ञा दी आज से लगभग बता रहा हूं मैं, लगभग 4000 साल पहले। आज यदि किसी जवान से कहा जाए, अच्छा एमएससी कर ली, ठीक है एक काम करो, एक बैकपैक लो, उसमें एक तौलिया थोड़ा सा साबुन वगैरह रखना, निकल पड़ो, प्रभु कहाँ जाना है, प्रभु कहें कि देखो कहाँ जाना है तुम इसके बारे में मत सोचो, बस निकल पड़ो और ना की सीध में जब तक मैं तुमसे ना बोलूं वो चले जाओ। आजकल तो इस तरह से यदि प्रभु आज्ञा देते हैं तो उसको मानना कुछ और आसान है, अच्छी सड़कें हैं, छाता तान के जा सकते हैं, जेब में मोबाइल है, जाते में मम्मी डैडी से बात कर सकते हैं, मदद चाहिए तो मांग सकते हैं। आज से 4000 साल पहले जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, ये उस समय की बात है। मैं आपको याद दिला दूं, अपन हिंदुस्तानी लोग आज से 100 साल पहले लिखाई पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाते थे। उस समय 7 समुंदर पार करके जाना गुनाह समझा जाता था। हिंदुस्तान के बहुत सारे जो बड़े वैज्ञानिक हैं, कई लोगों ने उनको विदेश ले जाकर पढ़ाने की कोशिश की लेकिन उनके परिवार वालों ने जाने नहीं दिया। दुनिया का जो सबसे बड़ा गणितज्ञ था रामानुजन, 19वीं शताब्दी में उसके परिवार वालों ने उसको विदेश भेजने पर मना कर दिया।
क्यों? सात समुद्र पार जाना गुनाह माना जाता था। आज ये स्थिति है, तो आज से 4000 साल पहले जब प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि अपने गांव को छोड़कर चला जा, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। कई बार प्रभु की आज्ञा हमारी बुद्धि से परे होती है, हमारी समझ से परे होती है, लेकिन हमको मानना है, प्रभु की आज्ञा माननी है। क्यों? इसलिए कि वो प्रभु की आज्ञा है। तो प्रभु के वचन से ये दो बातें हैं जो आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। नंबर वन, प्रभु से यदि हम प्रभु का अनुग्रह चाहते हैं तो आज्ञाकारिता होनी चाहिए। आज्ञाकारिता में भी दो बातें हैं। नंबर वन, कई बार प्रभु हमसे जो करने को कहते हैं वो अपने आप में काफी कठिन होता है या श्रम साध्य होता है। एक अंधे को यरूशलेम से शीलो के कुंड तक भेजना, वो अंधा अपनी अपने आप तो जा नहीं सकता। आजकल के समान वो प्लेन सड़कें तो होती नहीं है जो वो लाठी की सहायता से लोगों से पूछ पूछ के जाए, दूसरे की मदद लेकर यहां से वहां तक पहुंचने के बाद पहाड़ की जो ढाल है उस पर उतरकर शीलो के कुंड तक जाना है। प्रभु मुझसे और आपसे आज्ञाकारिता के लिए जो कहते हैं या मुझे आपको आज्ञाकारिता के लिए जो आज्ञा देते हैं, कई बार वो आज्ञा कठिन होती है। कठिन होते हुए भी उसका पालन करना जरूरी है। थोड़ी देर पहले मैं आपको इब्राहिम के बारे में बता रहा था। इब्राहिम के जीवन में दो बातें थीं। नंबर एक, समझ से परे, जिसको मैं समझा रहा था। आज से 2000 साल पहले घर छोड़कर जाओ, ये समझ से परे बात थी। कहां जाओ? मैं जहां बताऊंगा। प्रभु आप क्या कब बताएंगे? प्रभु का जवाब था, तुम जाओ तो, घर छोड़कर जाओ तो, मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगा। ये अपने आप में बहुत कठिन बात थी, बुद्धि के विपरीत। लेकिन इब्राहिम निकल पड़ा। और हम जानते हैं कि प्रभु की आज्ञा मानने के कारण प्रभु ने उसका अनुग्रह दिया, और आज 4000 साल के बाद भी वो विश्वासियों का पिता माना जाता है। अब्राहम नाम लोग बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को देते हैं। आज भी मेरे श्रोताओं में कम से कम एक व्यक्ति है जिनका नाम अब्राहम है। यहां बैठकर मैं उनका नाम देख रहा हूं। क्यों? क्यों नाम है? प्रभु की आज्ञा मानकर वो विश्वासियों का पिता बन गया। प्रभु की आज्ञा समझ में आने वाली आज्ञा नहीं थी, मनुष्य की समझ से परे थी, लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा मानी। नंबर दो, बाद में सालों इंतजार करने के बाद प्रभु ने कहा कि मैं तेरी संतान को ये सब दे दूंगा। सालों इंतजार करने के बाद एक बच्चा हुआ, और एक दिन प्रभु ने रहस्य में उससे कहा कि सुनो तो, उस बेटे को लेकर फलानी जगह जाओ और उसको बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम 4000 साल बाद उस घटना को जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु ने उस बच्चे का बलिदान होने नहीं दिया। लेकिन ये बात इब्राहिम को मालूम थी क्या? नहीं, इब्राहिम को ये बात नहीं मालूम थी। लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे को लेके चल दिया, क्योंकि उसके मन में एक बात का यकीन था, जिस परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, उस परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में, जब लोगों के बच्चे नहीं होते, तब मुझे एक संतान दी। और इसलिए वो परमेश्वर जो बातें करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे बच्चे को यदि मैं बलिदान चढ़ाऊंगा तो उसके बाद पुनर्जीवित भी कर सकते हैं और करेंगे। प्रभु जब हमसे आज्ञाकारिता के लिए कहते हैं तो आज्ञाकारिता कठिन होती है, आज्ञाकारिता असंभव बात होती है, और कई बार हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत बात होती है, लेकिन आज्ञा माननी है। ये प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है। इसे दिखाऊंगी अपनी दिल की बात।
प्रभु के वचन में और भी बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं, जिसमें से एक और एक दो उदाहरण और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कि विषय एकदम से स्पष्ट हो जाए। आपको याद होगा एक बार पत्रस प्रभु के पास आया, उस समय एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, तब या कई बार गांव में टैक्स देना पड़ता था चुंगी। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम में से किसी ने शायद चुंगी नहीं दी है, लेकिन मुझे याद है मेरे बचपन में जब हम ग्वालियर पहुंचते थे गर्मियों में छुट्टी में अपने दादा दादी से मिलके, जब ग्वालियर ट्रेन से उतरते थे तो जैसे ही तांगे से स्टेशन के बाहर आते थे तो लोग आके खाकी ड्रेस में लोग तांगे को घेर लेते थे, क्या है तुम्हारे पास, नारियल है क्या, नारियल का तेल है क्या, तुम क्या लाए अपने गांव से, और यदि बोल दो कि फलानी चीज लाए हैं ठीक है चुंगी दो। प्रभु यीशु के जमाने में तो जहां देखो वहां चुंगी देनी पड़ती थी। तो इस बार एक बार जब पत्रस से लोगों ने चुंगी की मांग की तो पत्रस प्रभु के पास आया, उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, पैसा तो यहूदा के पास रहता था, प्रभु चाहे तो बड़े आराम से पत्रस से कह सकते थे कि अपनी जेब में हाथ डालो वहां जो पैसा है, मतलब प्रभु सर्वेश्वर उसकी जेब में पैसा आराम से पैसे की सृष्टि कर सकते थे, नहीं, प्रभु ने कहा जाओ मछली पकड़ो और पहले जो मछली पकड़ोगे उसके मुंह को खोल के देखना, उसमें जो सिक्का मिलेगा वो ले जाकर चुंगी चुकाओ। लंबा रास्ता प्रभु ने अपने शिष्यों में से जिस शिष्य को आज्ञाकारिता के लिए सबसे अधिक ट्रेन किया वो पत्रस था। उसके पीछे कारण था, प्रभु के शिष्यों में वो शिष्य जो हर बात में एकदम से उचक कर हर चीज को करने की कोशिश करता था लेकिन आज्ञाकारिता का मतलब नहीं समझता था, उसको और शिष्यों की तुलना में और अधिक ट्रेन करना जरूरी था और इसलिए प्रभु ने उसको ट्रेन किया। प्रभु ने जो पहाड़ी उपदेश दिया उसको हम जानते हैं, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका होगा। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, यहां तो ये बताया जाता है कि जो मन का दीन है वो कमजोर है, जो गलती करने के बाद दूसरों से क्षमा मांगे वो कमजोर है, ये आज के समाज की शिक्षा है। और जब प्रभु कहते हैं कि धन्य है जो मन के दीन है तो ये आज समाज की जो शिक्षा है ये उसके बिल्कुल विपरीत है, लेकिन प्रभु आज्ञाकारिता के लिए हमसे जो कहते हैं वो वाकई में हमारी उम्मीद के विपरीत है। तो इन दोनों बातों के साथ आज ये संदेश मैं क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन क्लोज करने से पहले फाइनल जो सारांश है मैं याद दिला दूं, प्रिय भाई प्रिय बहन, हम अपने जीवन में कई चीजों के लिए प्रभु से याचना कर रहे हैं। मैं अक्सर भाई रणजीत से बात किया करता हूं कि भाई एक बात तो बताओ कि इन दिनों किन बातों के लिए लोग मध्य प्रदेश वगैरह में परेशान हो रहे हैं। अक्सर हम लोग इन बातों को शेयर किया करते हैं, उन्होंने बताया कि मैं उनका गुरु हूं, हम में आपस में गुरु शिष्य संबंध है लेकिन हमारा आपसी संबंध गुरु शिष्य संबंध से बहुत अधिक है, हर चीज हम खुलकर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बोलते हैं। अक्सर मैं पूछता हूं कि ये बताओ, तो अक्सर वो बताते हैं कि सर फलाना फलाना फलाना, मैं भी जिस समाज में रहता हूं यहां पर भी मैं देखता हूं लोगों के मन में क्या क्या चाहते हैं। मैं उन दोनों का मिलाकर जो सारांश आपके सामने रखना चाहता हूं, हम में से हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो कुंवारे हैं वे शादी करना चाहते हैं, जो शादी किए हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, एक अच्छे आत्मिक परिवार में उनके बच्चों की शादी हो जाए, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं वे चाहते हैं कि उनकी मंडली दिन रात प्रोग्रेस करे,
सदस्यों की संख्या बढ़े, सदस्यों के जीवन में समर्पण बढ़े। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो हम सबके जीवन में आती हैं। स्वास्थ्य और चंगाई चाहते हैं, मैंने अपने ही उदाहरण दिया। इस तरह से हम में से हर व्यक्ति के जीवन में जरूरतें हैं। जब हम इन जरूरतों को प्रभु के पास ले जाते हैं तो वो प्रभु ने या प्रभु के द्वारा दिया हुआ हक है, हम अपनी जरूरत अपने पिता के सामने रखें। लेकिन जब हम अपनी जरूरत पिता के सामने रखते हैं तब पिता अक्सर हमसे कहते हैं, बेटा बिटिया मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं दूंगा। नंबर वन, जिस तरह से वो अंधा शीलोह के कुंड में गया था, उस तरह से तुम भी अपने जीवन में बेटे बिटिया आज्ञाकारिता दिखाओ। नंबर दो, बेटे बिटिया मैंने तुमसे जो करने को कहा है वो तुम्हारी बुद्धि के विपरीत है। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि के विपरीत होते हुए भी जिस तरह से मैंने इब्राहिम से कहा था निकल जाओ, जिस तरह से मैंने इब्राहिम से कहा था जाओ अपने बेटे को बलिदान कर दो, उसी तरह से मैं जो कह रहा हूं हो सकता है तुम्हारी बुद्धि के विपरीत है। तुमको लगेगा कि प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कितने साल वेट करने के बाद आपने एक पुत्र मुझे दिया है, प्रभु मेरी पत्नी का दिल टूट जाएगा, वो पागल हो जाएगी। ये सब कह सकता था? नहीं, वो इस बात को जानता था कि प्रभु कभी भी कोई गलत बात नहीं कहेंगे। आज शाम को जो प्रभु का संदेश सुन रहे हैं सबसे यही मेरा अनुरोध है, प्रभु से अनुग्रह चाहिए, अच्छी बात है, आज्ञाकारिता सीखें। कौन सी बात है जिसमें प्रभु चाहते हैं? इन बातों को समझने के लिए और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।